हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक ध्वनि ज्ञान। अब फॉर्म वैलिडेटर के नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि रिक्वायर्ड फील वैलिडेटर कैसे वर्क करेगा। रिक्वायर्ड फील वैलिडेटर का काम होता है ये चेक करना कि जो भी हमने फील्ड में वैल्यू डाली है या नहीं डाली है, अगर वो फील्ड रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, जिसमें जिससे ये होता है कि अगर उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे तो हमारे पास एरर मैसेज शो करेगा कि वहाँ वैल्यू फिल करना कंपलसरी है। जैसे अगर हम कोई फॉर्म्स भी फिल करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसे फिल करना मैंडेटरी होता है और वहाँ पे लगाया जाता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। तो आज हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया है अपना डॉट नेट का पेज। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के लिए सपोज हम दो फील्ड्स ले लेते हैं। एक फील्ड हमने ले लिया है नेम, जहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए। दूसरा फील्ड हम ले लेते हैं मोबाइल, और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे इनपुट करने के लिए। हम लेते हैं एक बटन जो वैलिडिटी को चेक करेगा, और बटन में हमने यहाँ पे लिखा है सपोज शो। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, जो हमें मिलेगा वैलिडेशन सेक्शन में। हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, हम जाते हैं कोडिंग में। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नेम वाला फील्ड है उस फील्ड में वैल्यू फिल करना कंपलसरी हो, चाहे हमने मोबाइल में वैल्यू फिल करी है या नहीं करी, डजंट मैटर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल में कि हम किस टेक्स्ट को फॉर्मेट, किस टेक्स्ट को वैलिडेट करना चाह रहे हैं। यानी यहाँ लिखेंगे हम कंट्रोल टू वैलिडेट, यहाँ लिखना पड़ेगा कंट्रोल टू वैलिडेट। तो हमें वैलिडेट करना है केवल टेक्स्ट बॉक्स वन को, टेक्स्ट बॉक्स टू को नहीं करना है हमें वैलिडेट। और इसके बाद हम इसे रन कराएंगे। पहले एरर मैसेज लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज फिल योर नेम। अब इसे एक बार हम रन करते हैं। यहाँ पे अगर हमने नेम वाला फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया है और मैंने मोबाइल नंबर इनपुट किया है और बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ मैसेज आ रहा है प्लीज फिल योर नेम। बट अगर मैं यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेती हूँ और फिर शो करूंगी, तो यहाँ कोई एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। वहीं अगर मैं मोबाइल नंबर को ब्लैंक छोड़ दूंगी, नेम भरूंगी, तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को डिसाइड नहीं किया है। तो इस तरह से हम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के साथ वर्क करेंगे किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड या मैंडेटरी बना के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल।